सो हम क्या बात कर रहे थे इस चैप्टर में, हम अनानसी एंड फाइव के बारे में बात कर रहे थे कि एक दफ़ा का जिक्र है कि अनानसी जो है ना एक जगह रहती थी और उस लड़की का उसका नाम अनानसी था। समटाइम्स अनानसी वॉज अ स्पाइडर, समटाइम्स ही वॉज अ मैन। कभी वो मकड़ी होती है तो कभी वो इंसान बन जाती है और कभी वो दोनों होती है। अनानसी एक चालबाज लड़की थी जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त से गुजर रही थी। उसके पास ना तो पैसे थे खाने के लिए और ना ही उसके फैमिली को खिलाने के लिए। एक दफ़ा वो अपने गांव से सुबह के टाइम गुजर रही होती है तो उसे कुछ आवाज़ आती है जिसको सुन के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। पासिंग बाय नेबर्स हाउस अनानसी हर्ड समथिंग डेट प्लेजेंट हिम, जो उसे खुश कर देता है। द नेबर वॉज एन ओल्ड विच, एक पुरानी जादूगरनी थी जो उसकी नेबर थी, पड़ोसी थी। शी वॉज एन एंग्री एंड अनप्लेजेंट विच, वो एक अनप्लेजेंट मतलब ना खुश होने वाली जो है ना बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाली एक कौन सी थी, जादूगरनी थी। बिकम फ्यूरियस वेन एवर एनी वन सेड हर नेम, जब भी कोई उसका नाम लेता वो क्या हो जाती, गुस्सा हो जाती। और जब भी उसका कोई नाम लेता और उसके जो है ना उसके ऊपर नाम लेता तो वो उसके ऊपर हंसना शुरू हो जाते और उसके ऊपर जो है ना उसका मजाक उड़ाते। ठीक है, कैन यू गैस वट हर नेम वॉज, क्या तुम्हें पता है, क्या तुम गैस कर सकते हो कि उसका क्या नाम था? इट वॉज फाइव, यस उसका नाम क्या था? फाइव। अनानसी पिग थ्रू अ गैप इन द विचेस फिंस, और होता है क्या है कि अनानसी जो है वो क्या कर रहा होता है, झांक रहा होता है जादूगरनी को, देख रहा होता है। शी वॉज स्टायरिंग हर बिग कुकिंग पॉट एंड मटरिंग एंड मम्बलिंग। अनानसी क्या करता है, वो जो जादूगरनी होती है, जादूगरनी जो है ना अपने जो पॉट होती है जो उसमें जो है ना वो कहते हैं स्टायरिंग, कहते हैं स्टायरिंग कहते हैं बेटा वो जो लकड़ी है ना आपने वीडियो में पिक्चर में भी देखी होगी, उस पिक्चर को जो ना उसको क्या कर रही होती है, मूव कर रही होती है ताकि वो उसको क्या कर सके, मिक्स कर सके। ठीक है, जो भी वो उसमें वो हल करना चाहती है। ठीक है, उसके बाद पॉट एंड मटरिंग एंड मम्बलिंग, मटरिंग कहते हैं बिन बनाने को, मम्बलिंग कहते हैं जो ना कहते हैं ना कि मम्बलिंग मुंह में बात करना, मुंह मुंह बात करना, डेट्स कॉल्ड मम्बलिंग। आई स्पेल, स्पेल कहते हैं बेटा किसी मंत्र को, वो किसी मंत्र को मुंह में गुनगुना रही होती है। ठीक है, द स्मोक एंड स्पार्क्स वर ब्लू एंड ग्रीन, जो स्मोक्स होते हैं उस जो उस पॉट से निकल रहे होते हैं वो ब्लू होते हैं और ग्रीन होते हैं। सो अनानसी न्यू शी वॉज कुकिंग अप सम बिग मैजिक, और अनानसी को समझ में आता है कि उसे पता चलता है कि वो क्या बना रही है, कोई बड़ा जादू बना रही है। ठीक है, सडनली शी स्नैच्ड अप हर स्टाफ एंड स्टार्टेड टू पाउंड इट ऑन द ग्राउंड, और अपना जो है वो क्या करती है, स्टाफ उठाती है और उसे ग्राउंड पे करना शुरू करती है। एज शी वॉक्ड अराउंड द पॉट, जैसे वो पॉट की तरफ पहुंचती है, अनानसी लिसेंड केयरफुली व्हाट शी सेड, अनानसी क्या करती है उसे गौर से सुनती है जो वो कह रही होती है। आई कर्स एनी वन हु सेज द वर्ड फाइव टू डिसअपीयर फॉरएवर, और वो क्या करती है, वो जादू करती है और वो ये मंत्र पढ़ रही होती है कि जब भी कोई उसे फाइव बोलेगा या उसके नाम को पुकारेगा, बुलाएगा, वो क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। अनानसी रब्ड हिज हैंड्स टुगेदर एंड जंप्ड अराउंड ऑन हिज एट हेरी लेग्स, और क्या होता है, अनानसी जो है वो अपने हाथों को रब करती है और क्या हो जाती है, वहां से उड़ जाती है, जंप करती है, जंप करके वो अपने एट एरी हेरी लेग्स से वो वहां से हट जाती है। आह, दिस कुड मेक मी सम मनी और गेट सम फूड ऑन द टेबल फॉर माई फैमिली, शायद कि यहाँ पे क्या हो सकता है मेरे लिए कुछ खाने को और मेरे फैमिली के लिए भी। ही स्माइल्ड वाइडली एंड हिज शार्प टीथ स्पार्कल, और वो स्माइल करता है, बहुत खुश होता है। अनानसी रश टू द पाथ डेट रैन अलोंग द रिवर बैंक बिटवीन द विलेज, अनानसी क्या करता है कि वो उसी तरीके से चल रहा होता है और रिवर बैंक की तरफ पहुँच जाता है, एक दरिया किनारे पहुँच जाता है। बिटवीन द विलेज, जो विलेज के दरमियान है, एंड द मार्केट प्लेस, और मार्केट प्लेस के करीब। सून एवरी वन हु वॉज गोइंग टू द मार्केट वुड वॉक पास्ट, और हर कोई जो कहाँ जा रहा था, मार्केट की तरफ जा रहा था।
हर कोई मार्केट की तरफ जा रहा था. दे वुड बी ऑन देयर वे टू बाय द डिलीशियस यम्स बीट्स पल्सेस एंड ग्रेन्स. और हर कोई अपनी चीज़ें अपनी मनपसंद चीज़ें लेने जा रहा था. यम्स बीट्स पल्सेस दालों को कहते हैं, ग्रेन्स अनाज कहते हैं, ठीक है, अपनी चीज़ों की अपनी ज़रूरत की चीज़ों को लेने मार्केट जा रहे थे. डेट वुड बी पाइल्ड हाई इन द मार्केट, जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा रश था. अनांसी सेट टू वर्क एंड पाइल्ड अप 5 माउंट्स ऑफ अर्थ नियर द पाथ. वो क्या करती है कि अनांसी वो कुछ चीज़ों को जो ना वो पाइल करती है अर्थ नियर द पाथ अपने रास्ते पे. दे लुक जस्ट लाइक ही हैड प्लांटेड 5 यम्स. और वो क्या करती है कि उसे ऐसा वो उसने बस क्या किया होता है कि कुछ यम्स प्लांटेड किया होता है, ठीक है, प्लांट किया होता है, प्लांट मीन्स मतलब पौधे लगाए होते हैं, इस चीज़ को प्लांटेड कहते हैं. डेट वुड बी पाइल्ड हाई इन द मार्केट, जो कि मार्केट में जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है. अनांसी सेट टू वर्क सॉरी देन ही सेट डाउन एंड वेटेड. और वो वहाँ पे बैठ जाता है और इंतज़ार करता है. ठीक है. फर्स्ट टू कम बाय वॉज लिटिल मिसेस रैबिट. फर्स्ट सबसे पहले मिसेस रैबिट आती है. शी कैरिड अ बास्केट. और वो उन्होंने एक बास्केट लिया हुआ होता है फुल ऑफ स्वीट पोटैटो, मीठे आलू से भरी हुई पीस. एंड वॉक स्लोली बिकॉज इट वॉज हैवी. और वो बहुत स्लो चल रही होती हैं क्योंकि वो बहुत भारी होता है. अनांसी स्टेप्ड फॉरवर्ड एंड स्माइल That looks like a big weight. और अनांसी step forward and smiled. अनांसी आगे बढ़ता है और स्माइल करता है. That looks like a big weight. और बोलता है कि शायद लगता है कि ये बहुत ज़्यादा भारी है. Please rest a while and help me. क्या कहते हैं वो कहते हैं कि रुक जाओ और मेरी मदद करो. I don't know how to count, so I cannot tell how many yams I have planted. क्या तुम मुझे काउंट करना नहीं आता, मुझे गिनती नहीं आती, क्या तुम मुझे ये काउंट करके बता दोगे कि यहाँ पे कितने आलू कहते हैं बेटा यम्स. आलू को कहते हैं एक किस्म का जो ना मोटा और मीठा आलू होता है उसको कहते हैं, जिस तरह को शकरकंदी होती है जो इसको आप कहते हैं, ठीक है. मिस्टर रैबिट वॉज काइंड सो शी स्टॉप. वो बहुत ज़्यादा रहमदिल होता है और वहाँ पर रुक जाता है. She put down her basket and hope along the raw. वहाँ पर वो basket रख देती है और उम्मीद करती है, raw लगाती है और counting शुरू करती है. Counting 1, 2, 3, 4, 5 in a flash. इस flash में a bang Mrs. Rabbit disappeared और वो गायब हो जाती है. क्या हो जाती है अचानक से गायब हो जाती है. अनांसी ग्रोबल्ड डाउन द होल बास्केट ऑफ स्वीट पोटैटो इन सेकेंड. क्या कहा मैंने, रैबिट जो है वो गायब हो जाती है. अनांसी ग्रोबल्ड डाउन द होल बास्केट of sweet potato in second. He licked his lips and sat down again to wait. अनांसी जो होता है वो क्या करता है उसके पोटैटो हड़प कर जाता है. He licked his lips and sat down again to wait. और वो बैठ जाता है और वो इंतज़ार करता है, ठीक है. Not long after, बहुत देर ज़्यादा देर नहीं, he heard little footstep. और उसे सुनाई देता है चलने की आवाज़. On the path and looked up. और वो क्या करता है देखता है. It was Mr. Duck. और वो क्या होता है, कौन होता है, मिस्टर डक होते हैं. He walked along
with his chest yelled high and his feet made a slip slap sound on the path. और वो क्या होता है कि वो उसी तरीके से वो वहाँ पे उसके पास पहुँचता है. He had a bag with his lunch और उसके पास बैग होता है जिसमें उसका लंच होता है. In it by his side उसके साइड में उसके हाथ. Mr. Duck stopped when he saw Anansi and asked him how he was. और वो रुकता है और मिस्टर डक रुकते हैं वहाँ पर पूछते हैं और कैसा था वो. ठीक है. Anansi put on a glum expression. ग्लम कहते हैं कि सैड एक्सप्रेशन. जैसे कि मैंने आपको बताया कि अनांसी जो है ना बहुत ज़्यादा गमजदा था. मिस्टर डक आई हैव नो आइडिया हाउ टू काउंट यम्स यम प्लांट्स. मिस्टर डक को कहता है कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि किस तरीके से काउंट्स करते हैं. कैन यू हेल्प मी प्लीज़. क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं. मिस्टर डक बॉब हिज हेड एंड पफ्ड आउट हिज चेस्ट इवन फर्दर. और क्या होता है मिस्टर बॉब मिस्टर डक जो है वो आगे बढ़ते हैं. वेल अनांसी ही सेड इट इज़ क्वाइट सिंपल. अनांसी को कहता है ये थोड़ा ये बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है. ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है. स्टार्ट विथ वन देन इट्स टू थ्री फोर एंड फाइव. मिस्टर डक अपेयर्ड इंस्टेंटली. और क्या होता है पांच बोलते ही मिस्टर डक भी गायब हो जाते हैं. अनांसी एट अप द लंच. अनांसी क्या करता है लंच खा जाता है. नाउ आई नो यू विल बी वंडरिंग अबाउट अनांसीज फैमिली. अब वो क्या कर रहा होता है कि वो इधर उधर घूम रहा होता है अपनी फैमिली के लिए. डिड ही थिंक अबाउट देम. क्या वो उनके बारे में सोचता है. डिड ही सेव एनी फूड फॉर देम. क्या उन्होंने उसने अनांसी ने अपने फैमिली के लिए कोई फूड कोई खाने की चीज़ें रखी. नो ही डिडन. उसने कोई भी चीज़ नहीं रखी. ही एट एवरी थिंग विदाउट अ थॉट अबाउट एनी ऑफ देम. वो बगैर किसी के लिए सोचे समझे वो क्या करता है सारी चीज़ें खा जाता है. नेक्स्ट टू कम अलॉन्ग ऑन हर वे टू द मार्केट टू बाय सम टेस्टी ट्रीट्स. और वो क्या करता है मार्केट की तरफ दोबारा चल पड़ता है. वॉज मिस फ्रॉग. और वहाँ पे कौन मिलती हैं मिस फ्रॉग मिलती हैं. शी डिड नॉट स्टॉप व्हेन अनांसी कॉल्ड आफ्टर हर. और अनांसी जब उन्हें बुलाता है तो वो नहीं रुकती हैं. हे प्लीज हेल्प मी काउंट माय प्लांट्स. बोलता है कि रुको मेरे प्लांट्स काउंट कर दो. शी लाफ्ड. वो जोर जोर से हंसती है और बोलती है नो वे. नहीं बिल्कुल भी नहीं. काउंट देम बाय योरसेल्फ. और बोलते हैं कि काउंट करो खुद से करो ये काम. She called over her shoulder as she hopped away. और क्या होता है कि उसको जो ना आवाजें लगाते रहता है लेकिन वो नहीं रुकती. It did not bother Anansi too much because he knew there would be plenty more chances for him to try his trick out. और क्या होता है कि Anansi जो है ना उसकी ट्रिक जो है उसको और भी चांसेस हैं. He imagined what delicious food he would find. और वो सोचता है कि मैं कि कौन सा जो है ना अच्छा और जो है ना जायकेदार फूड में खाना मैं तलाश कर सकता हूँ. He did not imagine taking any to his hungry children. और वो क्या कर रहा होता है सोच रहा होता है खाने के बारे में चिकन के बारे में. He was going to eat as much as he could fit in his stomach. और वो उतना खाने वाला होता है ताकि वो उसके पेट भर जाए. मतलब मीन सेट कि वो अपने पेट भर के खाने वाला होता है. एंड देन कम बैक एंड ट्राई द ट्रिक अगेन ऑन अनदर डे. और क्या करता है वो दूसरे दिन भी यही ट्रिक आजमाता है. आई स्करी साउंड पुल्ड अनांसी आउट ऑफ हिज डे ड्रीम. और एक क्या करता है एक ड्राउनी से आवाज़ उसे क्या कर देती है उसे उठा देती है उसके ड्रीम से बाहर ले आती है उसे. इट वॉज मिसेस शेरो. कौन होती है मिसेस शेरो होते हैं. ऑन हर टाइनी बैक शी हैड अ ह्यूज लोड ऑफ फ्रेशली मेड पीस दैट शी वॉज होपिंग टू सेल. और उनके जो पीठ होती है उस पर जो है ना उन्होंने क्या लगा क्या लादा हुआ होता है पीस. ठीक है पीस वगैरह लादे हुए होते हैं. दैट शी वॉज होपिंग टू सेल. वो उसे बेचने की उम्मीद से आई होती हैं. द लोड वॉज थ्री टाइम्स हर साइज. और उनकी जितनी बड़ी वो खुद नहीं थी उससे ज़्यादा क्या था वो उसकी
उसका लूट था, एंड हर फेस वॉज रेड फ्रॉम द एफर्ट शी वॉज मेकिंग. जितनी एफर्ट वो लगा रहे थे उसकी वजह से उनके क्या हो जाता, फेस एकदम रेड हो जाता, सुर्ख हो जाता. ओ लेडी शेरो, हाउ नाइस टू सी यू, तुम्हें देख कर अच्छा लगा. सिट अ वाइल एंड रेस्ट, यहाँ पे बैठो और सकून का सांस लो. आई नीड योर हेल्प एंड काउंट माई प्लांट्स, और यहाँ बैठो और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम मेरे प्लांट्स को काउंट कर दो. एंड यू कैन शेयर योर विजडम विथ मी, और तुम अपनी अकलमंदी मुझसे क्या कर सकती हो, शेयर कर सकते हो. अनानसिक ग्रिंड एंड शोड ऑल हिज शार्प टीथ, और वो क्या करता है, एक हंस रहा होता है अपने दांत निकाल कर. He was trying hard to be charming because he really wanted to eat all the peas. और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो उस जो पीस थे उसको खाने का बहुत ज़्यादा ही क्या हो जाता है, वो उसको चाहत हो जाती. Mrs. Shero was not a fool, वो एक बेवकूफ़ नहीं थी. She could see Anansi's eyes glisten as he looked at the peas. और वो उसकी आँखों में वो शरारत और वो लालचपन देख लेती हैं जो उसकी आंखों में नजर आ रहा होता. अनानसी, यू आर काइंड, तुम एक रहम दिलो. आई एम टायर्ड, मैं थकी हुई हूँ. शी पुट डाउन हर लोड, और नीचे रखती हैं. हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकती हूँ. आई कैंट काउंट, ही लाइड, और वो क्या बोलता है, झूठ बोलता है कि मैं इसे काउंट नहीं कर सकता. कैन यू काउंट माई यम माउंट्स फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए ये क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो ये यम्स. मिसेस शेरो स्माइल, मिसेस शेरो क्या करती हैं, उसको स्माइल देती हैं. शी वॉक टू द नियरेस्ट माउंट एंड स्टूड ऑन इट, और उसके सबसे करीब पहुँचती हैं और वो वहाँ पे खड़े हो जाते हैं. शी पॉइंटेड टू द माउंट्स दैट वॉज फर्देस्ट अवे फ्रॉम हर, 1, 2, 3, 4. और वो क्या करती हैं, वो गिनती काउंट करती हैं, गिनती गिनती हैं, 1, 2, 3, 4. एंड दिस वन शी मेड, शी सेड क्लियरली. अनानसी फ्रॉन्ट, अनानसी क्या होती है, उसको फ्रॉन्ट करती है. डू इट अगेन, से ऑल द नंबर्स, क्या करता है अनानसी, बोलता है कि भाई आगे भी बोलो. ही सेड 1, 2, 3, 4 एंड दिस वन डैट आई एम सेटिंग ऑन. ठीक है. मिसेस शेरो स्पोक स्लोली एंड क्लियरली. अ फ्लैश ऑफ एंगर पास्ड ओवर अनानसी फेस. कम ऑन, अब मैं नहीं बोल रही, बस इतना काफ़ी है. से देम प्रॉपरली. He was finding it difficult to keep a smile on his face. अब क्या उसके फेस पे क्या आ रही थी, एक मुश्किल नज़र आ रही थी उसके फेस पे, जो है ना एक जो है ना एक गुस्सा नज़र आता. अगेन मिसेस शेरो स्माइल्ड स्वीटली एंड काउंटेड स्लोली. और वो मिसेस शेरो क्या करती हैं, दोबारा से वो स्माइल देती हैं और वो दोबारा से गिनती गिनती हैं, 1, 2, 3, 4 एंड दिस वन हेयर एंड दिस वन हेयर. शी पॉइंटेड टू द माउंट बेनेथ हर फीट. और वो क्या करती हैं, पॉइंटेड पॉइंट करती हैं अपने फीट से. 1, 2, 3, 4, 5 शाउटेड अनानसी. इंस्टेंटली इन अ बिग बर्स्ट ऑफ स्पार्क्स ही डिसअपीयर्ड. और क्या होता, अनानसी 5 तक के गिनते ही गायब हो जाता. Mrs. Shero picked up her load and set off to the market. वो अपने क्या करती हैं, चीज़ें उठाती हैं और मार्केट के लिए आगे बढ़ जाती हैं. She would sell these peas and buy mouth watering delicacies for her family. और जो मिसेस शेरो होते हैं वो क्या करती हैं, चीज़ें मार्केट ले आती हैं, बेचती हैं और अपनी तमाम ज़रूरत की चीज़ें वो लेके आती हैं और वो अपनी फैमिली को भी खिलाती हैं और खुद भी खाती हैं. ठीक है. बेसिकली यहाँ पे बताया क्या गया था कि वो जिस जो शरारत और जो चालबाजी वो कर रहा था, उसने उसमें वो जिस जिन लोगों के लिए उसने गड़ा खोदा था उसमें वो खुद गिर गया. इट्स बीन टिट फॉर टैट, जैसे कि तैसा. होप सो डैट के आपको ये चैप्टर बेटा समझ में आया होगा.